हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना लेसन 7 जंतुओं में पोषण को कंटिन्यू करेंगे। इस भाग में हम लोग घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों ने घास खाने वाले जानवरों को जैसे गाय, भैंस, बकरी को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जानवर लगातार अपना मुँह क्यों चलाते रहते हैं? ये सभी शाकाहारी जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और आमाशय के एक भाग में स्टोर करते रहते हैं, और आमाशय का ये भाग र्यूमेन कहलाता है। आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल कहते हैं। इसके बाद ये जंतु निगले हुए भोजन को छोटे छोटे गोलों के रूप में वापस अपने मुंह में लेकर आते हैं और इसको लगातार चबाते रहते हैं। इसी वजह से ये घास खाने वाले जानवर लगातार अपना मुँह चलाते रहते हैं। चबाने का ये प्रोसेस रोमेंथम कहलाता है, और ऐसे जंतु रोमंती या रूमिनेंट कहलाते हैं। गाय, भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास ही होता है, जिसमें सेल्यूलोज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज का पाचन आसानी से नहीं होता है। रूमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन इसी जगह पर होता है। ये अंधनाल मनुष्य में नहीं पाई जाती है। अभी तक हमने ऐसे जंतुओं के बारे में पढ़ा है जिनमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जिनमें कोई भी पाचन अंग विकसित नहीं पाया जाता। फिर इन जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है, आइए एक कोशीय जंतु अमीबा में पोषण का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जंतु है। अमीबा लगातार अपनी शेप और पोजिशन को बदलता रहता है। अमीबा से बहुत सारी उंगली जैसे प्रवर्त निकलते रहते हैं, जिन्हें सूडोपोडिया या पादाप कहते हैं। इन्हीं सूडोपोडिया के सहायता से अमीबा गति करता है और अपने भोजन को भी पकड़ता है। अमीबा का भोजन सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे ही अमीबा को अपने भोजन का एहसास होता है, तो ये अपने पादाबों को विकसित करके एक कप जैसी संरचना बना लेता है और उसके अंदर अपने भोजन को निगल लेता है। खाद्य पदार्थ खाद्य धानी यानी फूड वैक्यूल में फंस जाता है और पादाप गायब हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस निकलते हैं, जो खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस तरह से अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन होता है। आज आप लोगों का ये पाठ कम्प्लीट हो गया है। होपफुली आप लोगों को ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू।